और जब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है नेशन 24 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। तमंचे पर डिस्को करते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ था। इस खबर को नेशन 24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस पूरी खबर का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो युवक बरेली के थाना कैंट के चनहट्टी गाँव का बताया जा रहा था। और आपको बता दें कि बरेली में इस तरह के वीडियो पहले भी वायरल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद लगातार जो है इस तरह की जो है मामले सामने आ रहे थे, लेकिन नेशन 24 न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत ही खबर का संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है, ताकि आगे इस तरह का कोई मामला सामने ना आए। तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले में यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। उक्त तो वीडियो का जब हमने संज्ञान लिया तो पता लगा कि एक युवक है जिसका नाम सुरेश, पुत्र रामपाल निवासी चनहट्टी थाना कैंट का रहने वाला है। उस वीडियो में युवक अपने हाथ में एक तमंचा लिए हुआ है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 1.315 गोल अवैध तमंचा और 1.315 गोल जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस संदर्भ में थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत करके उसे जेल भेज दिया गया।